हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, आपका टेक्निकल भाई। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट है आईपीपीवी में और ये एरर आपको देखने को मिल रहा है, यूजर अकाउंट इज़ आइदर लॉक्ड और नॉट एक्टिव, इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपने जो पासवर्ड एंटर किया हुआ है पहले, वो गलत एंटर किया था, पहले दो तीन बार गलत एंटर किया होगा, तभी ये एरर देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं फिर से यहाँ पर पासवर्ड डाला, सही पासवर्ड मैं इंटर यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पे आईपीपी वाले ये कह रहे हैं यूजर अकाउंट इज आइदर लॉक्ड और नॉट एक्टिव। तो कोई कोई यूट्यूबर ये बता रहे हैं दोस्तों कि आप क्या कीजिए, आईपीपीवी के मोबाइल को जो है क्लियर डाटा कर दीजिए, तो उससे सॉल्यूशन आपका नहीं होगा। मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सेटिंग में हम जा रहे हैं अपने फ़ोन में, उसके बाद यहाँ पर ऐप का जो सेटिंग होता है वहाँ से क्लियर डाटा करेंगे, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, आपको लास्ट में हम बता देंगे वो प्रॉब्लम एक्चुअल में कैसे सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐप में जाते हैं, उसके बाद क्लियर डाटा करेंगे आईपीपीवी मोबाइल का। यहाँ पे हम ऐप में गए, आईपीपीवी मोबाइल यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद स्टोरेज एंड कैच में जाना है, उसके बाद क्लियर स्टोरेज पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे डिलीट हो चुका है हमारा जो ऐप है, वो रिफ्रेश हो चुका है। तो फिर से हम आईपीपीवी मोबाइल को ओपन करते हैं, यहाँ से अलाउ कर देना है, यहाँ पर परमिशन दे देना है। तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉगिन नाउ का, तो अलाउ फाइल द ऐप करना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर पूछा जाता है अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी, तो आप यहाँ पे फिर से फिलअप कर लीजिए अगर आपने क्लियर डाटा किया हुआ है। उसके बाद कस्टमर आईडी फिलअप कीजिए, वो आपको आईपीपीवी के क्यूआर या फिर पासबुक पर मिल जाएगा, जो आपको डाकघर के द्वारा मिलता है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर होता है डेट ऑफ बर्थ, जो मैं यहाँ पर अपना फिल कर रहा हूँ। उसके बाद चौथे नंबर पर होता है मोबाइल नंबर, आपका जो भी आईपीपीवी से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा वो नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो उसके बाद लास्ट में रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करना, न्यू एम पिन पूछा जाता है यहाँ पे, तो आपको अपने अनुसार यहाँ पे पिन सेट कर लेना है। उसके बाद फिर से रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, सेट एम पिन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। उसके बाद एयर सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप जो भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं वो फिलअप कीजिए, आप अपने अनुसार फिलअप कीजिए। इसमें होता क्या था कि ये वाला अपडेट में लास्ट में जो कैप्चर ओटो कैप्चर कर लेता था ओटीपी, जो कि आपके फ़ोन में रिसीव होता था। तो अगर ये यूजर अकाउंट लॉक्ड होगा तो ये जो है ओटीपी रीड नहीं करेगा आपके फ़ोन का। तो इसका सोल्यूशन यही है दोस्तों, आप आईपीपीवी को टच ना करें, कम से कम 20 मिनट तक छोड़ दें ऐसे ही, उसके बाद आप फिर से लॉगिन कीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा। क्लियर डाटा कुछ भी नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन यही है। आपको मेरा जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए यहाँ पे ओटीपी अभी तक नहीं आया है, आ गया लेकिन रीड नहीं किया। देखिए यही एरर यहाँ पे आ रहा है, रीड तभी करेगा जब आपका लॉक हट जाएगा, फिर ये ओटीपी को रीड कर सकता है। तो 15-20 मिनट आप बात ट्राई कीजिए लॉग होने के बाद, उसके बाद जो आपका ये फिर से लॉगिन हो जाएगा। धन्यवाद।